हेलो दोस्तों स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी सी सेट की इस मासीज में जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने मैथ्स uh, और रीजनिंग वाले पार्ट को इसमें सॉल्व किया है दोस्तों दो से स्टार्ट किया है दो का ख़त्म हो चुका है इसके बाद हमने दो का जो पेपर था उसकी दो वीडियो आ चुकी हैं ऑलरेडी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो तो आज स्टार्ट करते हैं हम फोर्टी नाइन क्वेश्चन से ये दो हजार सोलह का पेपर है दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं फोर्टी नाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति ज़मीन पर किसी बिंदु उसे सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है ठीक है और पाँच किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु एक पर पहुँचता है उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की दिशा में बिंदु बी पर जाता है और ए बी की दूरी बारह किलोमीटर है अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूर है यह पूछा है उसे दूरी पूछे प्रारंभ बिंदु से ठीक है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको दिशा ज्ञान होनी चाहिए पहली बात तो पहले हम एक अलग से डायग्राम डायग्राम बना देते हैं ठीक है तो ये डायग्राम बना दिया अब देखो ये होता है नॉर्थ ये होता है साउथ ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट ये तो आपको पता ही होगा ठीक है अब देखो ये तो आपको बताने के लिए किया है लेकिन एक दूसरा डायग्राम और बनाएंगे दोस्तों क्यों बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन को उसी हिसाब से हम हल करेंगे देखो दोस्तों ये 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 हमने ये बना दिया ठीक है अब ये जैसे बनाया अब कह रहा है कि यहाँ कोई बिंदु वो है ठीक है और हम ये फिर लिख देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ठीक है अब क्या क्या है देखो शुरू से पढ़िए फिर से कि कोई व्यक्ति ज़मीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते उत्तर पूर्व की दिशा में उत्तर पूर्व कहाँ हुआ ये वाली दिशा ये वाली दिशा कहने का मतलब ठीक है उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और पाँच किलोमीटर दूर कहता करता है मतलब उत्तर पूर्व में पाँच किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ठीक है पाँच किलोमीटर लिख दिया मैंने ठीक है अच्छा आगे लिख लेते थोड़ा सा मिल जाएगा इसमें डायग्राम इसलिए दिक्कत आएगी ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया तो हमसे बोला है पाँच किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में पहुंचता है और ये बिंदु कोई ओ है जो पाँच किलोमीटर पहुँचाना है ये देखो फिर से बताता हूँ पाँच किलोमीटर ही गया तो बिंदु ये कौन सा है दोस्तों ये ए है कोई ठीक है बिंदु ए है ठीक है उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है उत्तर पश्चिम का मतलब इधर की ओर उत्तर और पश्चिम इधर की ओर तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहां से कितने हो जाएगा उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बिंदु बी पर पहुंचता है और ए और बी की दूरी कितनी है ए और बी की दूरी है यह दोस्तों यहां से पहुंचता है इधर जाता है ये कोई बिंदु बी है और ए और बी की दूरी है दोस्तों ये कितनी देर रखी यहाँ यहां यहाँ यहां देर बारह किलोमीटर अब देखो दोस्तों आपने देखा होगा इसमें क्या बन रहा है ये त्रिभुज बन रहा है अब आपको थोड़ा सा याद आया होगा दोस्तों ये जो है ना ये त्रिभुज बना है ना और हमसे पूछा क्या है प्रारंभ बिंदु पूछा है तो इसका मतलब क्या पूछा है ओ बी की दूरी पूछिए यहाँ पे ओ और बी की दूरी पूछिए ओ बी की दूरी निकालनी तो ये हमको पाए तो और स्त्री में लगा नहीं हो आपको दिख गया होगा इस हम त्रिभुज बन रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे ओ बी बराबर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर ये किया हमने जैसे हमने किया ओ बी बराबर जो बारह ए बी दूरी कितनी है बारह तो बारह का स्क्वायर प्लस ओ ए की दूरी कितनी है पाँच पाँच का स्क्वायर रूट मांग गए सब तो ओ बी बराबर ये हो जाएगा एक सौ चुम्वालीस ये हो जाएगा पच्चीस जब ये दोनों जोड़ा तो ये हो जाएगा एक सौ उनहत्तर तो ओ बी बराबर क्या आएगा दोस्तों ओ बी बराबर आएगा तेरह तेरह किलोमीटर दूर ये उसकी प्रारंभ बिंदु से ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी सॉरी आंसर आ जाएगा बी अगर आपको दिशा ज्ञान है दोस्तों तब तो इस क्वेश्चन को आप आराम से हल करेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन था जब ऐसा ही कोई चित्र बने त्रिभुज बने तो आप समझ जाना ये पाए तो गौरव में, में लगती है ऐसे तो हमने कुछ नहीं किया हमसे बोला गया भाई उत्तर पूर्व की ओर पांच किलोमीटर तो पांच किलोमीटर चलाया और उनका नाम भी बता दिया वो था बिंदु ए तक पहुंचा फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम की ओर गया पहले उत्तर पूर्व की ओर सॉरी पहले उत्तर पूर्व की ओर पूछा बोला तो हमने उत्तर पूर्व की ओर कर दिया ये वाला फिर हमसे बोला उत्तर पश्चिम की ओर हमने कर दिया फिर तो हमको बताया कि ये बारह किलोमीटर है ये पाँच किलोमीटर है जब हमने देखा तो हमको पता चला कि ये तो त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज बन रहा है कौन सा त्रिभुज बन रहा है समकोण इसमें इस तो गौरस लगाई और हमने ओबी की दूरी पूछी हमने ओबी की दूरी निकाल ली इस प्रकार खास का आंसर है दोस्तों तेरह किलोमीटर तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों पहली बात तो दिशा ज्ञान होनी चाहिए दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसा है कहने का मतलब है कि यह पायतोग गौरस लग रही है कि नहीं लग रही है आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझने आ धीरे धीरे ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं पचास नंबर का एक खेत है आयताकार आकृति का ठीक है।, है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सॉरी जिसकी लंबाई एक्स वन और चौड़ाई एक्स टू है एक्स वन और एक्स टू हैं यदि एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर चालीस मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से मान से अधिक नहीं होगा मतलब मान दे रखा है चारों बोला है कि इनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है मैक्मम मान पूछा है ठीक है तो कहने का मतलब कोई आया है ये एक्स वन इसकी वो है और एक्स टू इसकी वो एक्स टू इसकी चौड़ाई है और एक्स वन इसकी लंबाई है ठीक है हमसे बोला है एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर चालीस मीटर है ये दे रखा है हमको

मतलब लंबाई कर सकते हैं एक इसकी चौड़ाई कर सकते हैं नौ इंटू एक किया हमने तो ये आ जाएगा दोस्तों नौ फिर हमने क्या किया आठ दो रख दिया फिर सात तीन रख दिया फिर छः चार रख दिया और पाँच पाँच रख दिया कहने का मतलब क्या हुआ आठ फिर वो इसकी क्या रख दी लंबाई और दो इसकी चौड़ाई रख दी आठ इंटू दो करेंगे हम आठ इंटू दो बराबर कितना हुआ सोलह फिर सात और तीन किया सात इंटू तीन करेंगे तो इक्कीस फिर छः और चार किया छः और चार किया तो ये कितना हुआ छः चौका चौबीस ये इक्कीस हो गया ये चौबीस हो गया पांच पांच किया तो पांच एन टू पांच किया तो पच्चीस तो यहाँ पे क्या भी क्या चीज समझ में आ रही है कि जो बराबर है ना जैसे एक्स और वाई का मान मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है ना तो वहां सबसे ज्यादा आ रहा है मान तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा मान कहाँ आएगा जहां दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर हो अब देखो एक्स वन और एक्स टू दे रखा है यहाँ पे दोस्तों 400 मीटर सॉरी 40 मीटर दे रखा है ये चालीस मीटर दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स वन जो है ये बीस मीटर है और एक्स टू है ना ये भी बीस मीटर है तो ये हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर बीस प्लस बीस ये तो हो गया चालीस 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 मीटर हो गया अब जब हम बीस इंटू बीस करेंगे तो क्या हो जाएगा चार सौ मीटर तो ये इसका आ जाएगा चार सौ वर्ग मीटर स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं आएगा इसका मान जो आएगा मैक्सिमम मान इतना ही आएगा दोस्तों प्रकार इसका आंसर आएगा ए हमने कुछ नहीं किया हमको बताया गया कि भाई क्वेश्चन में बताया था कोई आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है एक्स वन और एक्स टू के हमसे ये था फिर तो बोला है चालीस मीटर मान लेते हैं कि एक्स वन आई एक टू है यदि दे रखा है चालीस मीटर ये हमको दे दिया ठीक है और एक्स वन और एक्स टू रखा है चालीस मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होगा हमसे ये पूछा तो हमने ये चीज तो निकाल ली ठीक है कि भाई ये तो ठीक है अब क्या किया हमने दोस्तों हमने एक मान रखा मान ले एक्स वन और एक्स टू रख दिया दस दस मतलब एक्स ए प्लस बी मान लिया हमने दस तो इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ दोस्तों कि नौ हमने लंबाई मान ली एक इसकी चौड़ाई मान ली जब ऐसे किया फिर आठ इस मान, मान लिया आठ दो मान लिया सात तीन मान लिया छह चार मान लिया पांच पांच मान लिया जब हमने ये सब चीज निकाली तो पता चला कि यहां जो पांच और पांच मानन समान ये सबसे ज्यादा मान आया यहां पे उसी प्रकार हमने क्या किया हमने यह किया दोस्तों हमने x1 x1 x2 माना का तो करते हैं एरिया निकाल देता है तो यह आया 400 तो क्या हुआ कि 400 सौ वर्ग मीटर इसका आंसर है दोस्तों क्यों क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता यह हमको पूछा इसमें तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता दोस्तों ए ऐसे क्वेश्चन में बस आपको थोड़ा लॉजिक आना चाहिए जैसे आयत का क्षेत्रफल का पता होना चाहिए ऐसी अगर आपको ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है अगर आपको आयत का क्षेत्रफल का ही पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जैसे कल एक क्वेश्चन था घन वाला तो वो भी ऐसा ही था तो ये है दोस्तों तो इसका आंसर आ गया दोस्तों ए अगला क्वेश्चन है फिफ्टी क्वेश्चन क्या कह रहा है फिफ्टी क्वेश्चन आराम से करना है के, क्योंकि एवरेज वाला क्वेश्चन है और एवरेज वाला क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं हर साल आते हैं इसके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से जरूरी नहीं कि ऐसे जाएंगे आपको इंडायरेक्ट रूप से भी एवरेज पूछ सकता है वो आपको आगे बताएंगे हम दोस्तों पांच सदस्यों वाला कोई परिवार है तीन वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग अस्सी वर्ष था ठीक है तीन वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं इस परिवार की तीन वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी वो आज वही है क्योंकि अंतस्थ अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई है ठीक है अब शिशु की आयु पूछिए भाई पहले भी वही थी जो अब है लेकिन वृद्धि जो हुई है ना वो शिशु की आयु की वजह से हुई है ठीक है एवरेज आयु इतनी है ये बोला कहने का मतलब अब देखो दोस्तों पांच पर्सन है ठीक है पांच व्यक्ति ये तीन वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तीन वर्ष पूरा कर रहा था हम माइनस लेते ताकि आपको ध्यान रहे अस्सी वर्ष से तो एवरेज आयु क्या होगी दोस्तों एवरेज आयु क्या होगी दोस्तों अस्सी अपॉन पांच करेंगे पांच को करेंगे पांच परसेंट दे रहे कैश तो ये आ गई एवरेज आयु सोलह ईयर ठीक है अब वर्तमान की देखते नाउ मतलब अब तो पहले पांच थी एक शिशु आ गया मतलब कितने हो गए सदस्य हो गए छः एन टू ये कितनी एवरेज आयु सोलह तो ये हो जाएगा सोलह छक्की छियानवे पहले पांच थी एक और हो गया तो सिस छियानवे हो जाएगा टोटल हमने गुणा किया था छियानवे वर्ष नाउ अब आब अब क्या करना है दोस्तों कि जो पांच पर्सन है ना पर्सन अस्सी प्लस वो पांच एवरेज दे रखा था ना पसी प्लस ये तीन वर्ष पहले की बात कर रहा है ये ऊपर वाला है ना दोस्तों ये तीन वर्ष पहले की बात कर रहा है ये वाला तीन वर्ष पहले अस्सी थी लेकिन पांच सदस्यों की थी लेकिन तीन वर्ष बाद भाई तीन तीन जुड़ेगी सबकी तीन एन टू पांच तो ये कितना हो जाएगा अस्सी और पंद्रह कितना हो जाएगा पिछयानवे अब जो ये पिछयानवे ना और ये छियानवे अब ये दोनों का अंतर है ना ये एक वर्ष का ये एक शिशु हुआ है ना एक नया बच्चा हुआ है नया बेबी हुआ है इसकी वजह से अंतर है तो नए बच्चे की आयु पूछा है हमसे तो उसकी आयु होगी दोस्तों एक वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आप देखो कुछ नहीं किया हमने हमसे बताया गया कि पांच सदस्यों वाले परिवार में तीन वर्ष पूर्व सभी की औसत आयु कितनी थी अस्सी वर्ष पांच सदस्य लिए तीन वर्ष पूर्व लिया इसलिए हमने माइनस लिख लिया अस्सी वर्ष थी एवरेज निकाला सोलह हो गया फिर कह रहा है आज भी वही आयु है क्योंकि जो बच्चा हुआ है ना उसकी वजह से एवरेज आयु में परिवर्तन नहीं आया तो बच्चे की आयु पूछिए नाउ अब कितनी है अब सदस्य हो गए छः से मल्टीपी किया सोलह को क्योंकि एवरेज आयु थी वो टू सोलह से किया तो मतलब ये हो गया छियानवे लेकिन अब क्या हो गया अब ये हो गया दोस्तों कि जो पांच सदस्य थे ना वो तीन वर्ष पहले थी उनकी अवरेज आयु अस्सी वर्ष लेकिन वो तीन वर्ष बाद वर्तमान में आयु कितनी उनकी तो अस्सी तो पहले थी तीन वर्ष पहले और पांच व्यक्तियों की थी तो पांच व्यक्तियों की तीन से गुणा किया क्योंकि तीन वर्ष पहले थी अब वो जोड़ेंगे तो पंद्रह मतलब तीन इंटू पांच करेंगे तो पंद्रह हो गया अस्सी प्लस पंद्रह कितना छियानवे और यहां कितना है छियानवे और पंचानवे छियानवे का जो अंतर है दोस्तों ये एक शिशु की वजह से हुआ है और शिशु की आयु कितनी हो जाएगा एक वर्ष इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों बी तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चन है कुछ नहीं है आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से आपको निकालना है और ये तो बेसिक चीज है आपने अगर एवरेज पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को आराम से समझ के आराम से कर सकते हैं अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको ही क्लियर करना होगा दोस्तों हम तो यहाँ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा सकते हैं इतना टाइम भी नहीं है आपके पास अब बेसिक भी कराए हमारे पास ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फिफ्टी टू क्वेश्चन फिफ्टी टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं ठीक है थीके? पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का पैंसठ परसेंट भत्तों के रूप में मिलता है ठीक है जबकि दूसरे के जो मूल वेतन का अस्सी परसेंट भत्तों के रूप में मिलता है ठीक है पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन में अनुपात क्या है वेतन का अनुपात कुछ है? तो देखो दोस्तों माना कि हमने मान लिया ए और बी कोई सदस्य ठीक है ए का मूल वेतन ए का मूल वेतन कितना है दोस्तों ए का मूल वेतन मान लिया हमने देखो सौ मानेंगे दोनों क्योंकि सैलरी कितनी होती है दोस्तों सौ परसेंट होती है सैलरी में भत्ते जोड़े जाते हैं ना कि घटाए जाते हैं भाई भत्ते तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना तो हमने मान लिया ए का मान लिया सौ एक्स ये परसेंटेज है मतलब सौ परसेंट हुआ कहने को मतलब बी का क्या हो गया पी का मूल वेतन क्या हो गया दोस्तों बी का मूल वेतन हो गया सौ so, बाई ये भी परसेंटेज है ठीक है अब क्या कहा हमसे हम ए की जो अपने मूल वेतन का ना पैंसठ परसेंट भत्ते के रूप में मिलता है तो इसका मतलब क्या हो एक्स सौ प्लस पैंसठ ठीक है बराबर बाई एक्स प्लस अस्सी सौ परसेंट उसकी सैलरी थी पैंसठ परसेंट उसका वेतन भत्ता है तो ये हो गया ऐसी प्रकार 100 उसकी सैलरी थी 80 परसेंट उसका वेतन बनता हमने जब गुणा किया तो ये हो गया एक सौ बराबर ये हो गया दोस्तों कितना एक बाई ठीक है हमसे पूछा अनुपात तो हम क्या करेंगे दोस्तों x अपॉन बाई अनुपात बराबर एक x पैंस बाई अनुपात करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना दोस्तों ये आ जाएगा एक सौ एक सौ पैंसठ ये कटा ये कट गया बारह बार ये कट गया ग्यारह बार ठीक है दोस्तों ये कट गया ग्यारह बार तो इस प्रकार इसका आ गया x अपॉन सॉरी x अनुपात बाई का अनुपात आ गया बारह अनुपात ग्यारह तो इसका आंसर आ गया दोस्तों d बारह अनुपात ग्यारह कैसे आया देखो फिर से बता देता हूँ भाई माना कि मूल वेतन सौ परसेंट है सौ एक्स लिख दिया क्योंकि परसेंटेज क्योंकि मूल वेतन सौ परसेंट होता है उसमें वेतन भत्ता जोड़ा हमने दोनों का जोड़ लिया ठीक है हमसे पूछा उसका परसेंटेज पूछा हमने निकाल दिया इसका आंसर आ गया दोस्तों डी इस प्रकार आंसर आ गया दोस्तों इसका डी तो जो सैलरी होती है ना दोस्तों उसमें भत्ते जोड़े जाते हैं ना कि घटाए जाते हैं क्योंकि सैलरी से अलावा मिलता है ना तो सैलरी तो कैश अलग ही रहेगी ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया डी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक व्यक्ति सी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है ठीक है ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे चार पायदान और चढ़ने पड़े तो सी में कितने पायदान थे देखो कोई सी है ठीक है ये यहाँ पे खड़ा है ठीक है यहाँ है ये पहला पायदान है अब वो बीच में आएगा ना तो चौथा चो, पायदान को जाएगा तो इसका मतलब दो एक दो तीन एक ये है ये एक ये है ये तो इसका मतलब ये चौथा पायदान ये होगा बीच वाला ये बीच वाला है इसका मतलब क्या हुआ कि चार तो नीचे हो गए तो चार ही ऊपर हो गए क्योंकि बीच बीच वाला है ना चार ही ऊपर होंगे एक दो तीन चार तो इसका मतलब टोटल पायदान कितने हो गए यही पूछा ना टोटल सीधे कितने हो गए थे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ तो टोटल होगी दोस्तों नौ इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा पी मतलब हमसे बोला क्या पहले पायदान से बीच में जा रहा है तो चार पायदान पार करने पड़ रहे हैं तो भाई हमने जैसे देखा पहला पायदान ये है तो एक दो तीन चौथा पै है बीच में अगर यहाँ तक ये है तो वो चार पीछे होंगे तो मतलब ये बीच वाला चार है ना तो इसका मतलब चार पीछे होंगे आगे होंगे तो चार ये होंगे और ये हो गए पांच चार पांच नौ बीच में आ गया इसका बीच में आंसर आगे दोस्तों बी आंसर आ गया ठीक है तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया आपका जो कल परसों हमने बात की थी वही क्वेश्चन आ गया और मैंने आपसे पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको धैर्य के साथ क्वेश्चन को करना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है अब ये जरूर नहीं है कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरी को गलती नहीं होगी गलती हो सकती है दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमको एक क्या बोल सकते हैं एक पूरा तो ध्यान रखना पड़ेगा पूरी तरह से और बिल्कुल जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से उसमें क्वेश्चन को करना पड़ता है और उसमें दो से तीन क्वेश्चन आते हैं आपका आराम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप जमाना सीखें तो और ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा दोस्तों में स्टार्ट करते हैं आगे आने वाले तीन प्रश्न प्रशांकों के निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और आगे दिए गए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ठीक है क्वेश्चन क्या दे रखे हैं सॉरी ये क्या दे रखा है इसकी इन्फॉर्मेशन जब तीन मित्र ए बी सी मिले तो पाया कि उनमें से प्रत्येक ने एक भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहनी हुई रखी थी या छद मतलब क्रम में मतलब या छद क्रम का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही वे पोशाक जैकेट स्वेटर टाई और उनका रंग दे रखा है नीला सफेद काला और उनके कुल दे रखे सरनेम क्या है याद क्रम से रिविरो कुमार सिंह और आगे यज्ञ किया गया है और ये इन्फॉर्मेशन और दे रखी है तो कहने का मतलब है हमको क्या क्या दे रखा है इसमें एक तो बंदे का वो दे रखा है ए कौन कौन है फिर उनका वो क्या दे रखा है स्वेट क्या क्या पहन रखा है उपली पोशाक फिर दे रखा है उसका रंग क्या पोशाक इसके अलावा दे रखा है उनका सरनेम क्या है तो हम क्या करेंगे दोस्तों हम एक वो बनाएंगे क्या बनाएंगे दोस्तों हम एक बगल में से ले लेते हैं मतलब क्या स्लाइड खोल लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए दोस्तों ठीक है हमने स्लाइड खोल लिया अलग से आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए दोस्तों ठीक है अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या करना है पहले हमको इनके नाम लिख लेने हैं कौन कौन है तो हमने देखा ए रवि रो इसके बाद कुमार आया तेरे का को लिख रहे हैं हम इसके बाद सिंगाया नहीं इस ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको ना हम ये करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं तो क्योंकि इतनी जगह नहीं रह पाएगी हमारे को स्लाइड में थोड़ा तो सा शोट कर देता हूँ स्लाइड में इतनी जगह नहीं रह पाएगी फिर ठीक है दोस्तों अब करते हैं इसको कर देते हैं रबीरे को आर से डिनोट कुमार को के से कर देते हैं और सिंह को एस से कर देते हैं ठीक है ये तो हो गया इधर हमने क्या किया दोस्तों इधर जैकेट ठीक है इधर स्वेटर एस कर दिया टाई टी से कर दिया ऐसे लिख भी दिया थोड़ा सा टाई ताकि आपको दिक्कत ना आए आराम से करना है क्वेश्चन को स्वेटर और ये कर दिया हमने जैकेट ठीक है ये तो हमने ये चीज़ दे रखी जो इसके अलावा दोस्तों हमने क्या किया बंदों के वो लिख दिए ए बी और सी हमने ऐसे बनाया ये किया फिर क्या किया हमने दोस्तों हम्म, ये किया ऐसे हमने टेबल बना ली ठीक है ऐसे ये किया ये ऐसे टेबल बन जाएगी पूरी ठीक है ये टेबल बना ली मैंने आप भी बना सकते हैं ऐसे टेबल ठीक है अब ये हमने ये सब इसमें लिख दिया ठीक है स्वेटर लिख दिया जैकेट लिख दिया और उसकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों क्या दे रखा है पहला इन्फॉर्मेशन न तो बी ने और न ही रवीरों ने सफेद स्वेटर पहना है न तो बी ने पहना है और न ही रवीनों ने और क्या दे रखा है दोस्तों एक चीज ध्यान रखना स्वेटर का कलर भी दे दिया यहाँ पे भाई स्वेटर का जो कलर है ना ये वाइट है ये भाई सफेद स्वेटर है ठीक है अब क्या दे रखा है न तो ए ने सॉरी न तो बी ने और नहीं रवि रो ने न तो बी ने न तो बी ने और नहीं रवि रो ने तो न तो बी ने तो, 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 तो या स्वेटर नहीं पहना बी ने नहीं पहना ठीक है बी ने नहीं पहना और रो ने नहीं पहना तो रो कहाँ होगा दोस्तों रवि रो इसने भी नहीं पहना रवीरों ने भी स्वेटर नहीं पहना कहने का मतलब यह है रवीरों ने भी स्वेटर नहीं पहना यह हमने गलत ठीक है स्वेटर न तो रवीरों ने पहना और नहीं और और उसका रंग भी दे दिया हमको नहीं तो बी ने नहीं रवीरों ने स्वेटर नहीं पहना और रंग है उसका सफेद तो हमने क्रॉस कर दिया इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो स्वेटर है बी ने भी नहीं पहना और रबीरो ने नहीं पहना ठीक है तो पहना किसने फिर यही तो आता है। तो स्वेटर दोस्तों पहना है भाई स्वेटर पहना है ए ने स्वेटर पहना है ए ने ठीक है, है। आगे इंफॉर्मेशन आएगा उस हिसाब से निकल जाएगा ऐसे टेंशन नहीं लेनी है ठीक है फिर क्या है? सी ने टाई पहनी थी सी ने क्या पहनी थी दोस्तों सी ने क्या पहनी थी टाई पहनी थी सी ने टाई पहन ली सी आ गया टाई तो इसका मतलब क्या हुआ बीने टाई नहीं पहनी बीने टाई नहीं पहनी और दोस्तों जो है सीने टाई पहन ली तो बी ने नहीं पहनी ठीक है एने भी नहीं पहनी ये लिख देता हूं मैं एने भी टाई नहीं पहनी ये आ गया बी ने पहन ली और ये हो ही गया इसने ये स्वेटर पहन लिया ठीक है अगले क्या दे रखा है सिंह ने पोशाक सफेद नहीं पहनी सिंह ने पोशाक सफ़ेद नहीं पहनी सिंह ने पोशाक सफ़ेद नहीं पहनी तो सिंह ने पोशाक कौन सी पहनी अगर सिंह ने पोशाक सफ़ेद नहीं पहनी दोस्तों तो सिंह ने पोशाक कौन सी पहनी ये तो देख यही तो पूछ रहा हो तो भाई अभी इसमें सफ़ेद नहीं पहनी इसका मतलब स्वेटर तो पहना ही नहीं सिंह ने सिंगी अरा सफ़ेद नहीं पहनी इसका मतलब इसने स्वेटर नहीं पहना तो सिंह ने पहनी कौन सिंह ने पहने क्या है सिंह ने शायद जैकेट पहनी हो जैकेट के बारे में बिल्कुल अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई ठीक है कुमार जैकेट नहीं पहनता इसका मतलब क्या हुआ कुमार क्या है जैकेट नहीं पहनता कुमार के सामने हम कर देंगे जैकेट नहीं पहनता ठीक है तो जैकेट कौन पहनता है दोस्तों जैकेट पहनता है बी जैकेट बी पहनता है कुमार नहीं पहनता तो बी पहनेगा अगर जैकेट बी ने पहन ली तो इसका मतलब है सी ने तो जैकेट पहनी नहीं क्योंकि सी ने तो पहले टाई पहन रखी थी ना ठीक है ये आ गया अगला क्या दे रखा है रबीरो को काला पसंद नहीं है रबीरो को क्या है दोस्तों रबीरो को काला पसंद नहीं है ठीक है तो रबीरो ये रहा और काला कलर ये रहा तो कलर वो कौन सा हो सकता है वो जैकेट हो सकता है तो ये काला कलर ये जैकेट है इसका रंग आ गया काला तो बचा कौन सा कलर दोस्तों टाई तो, तो टाई कौन सा हो जाएगा ब्लू तीनों कलर में यही बचा जैकेट हो गया स्वेटर हो गया और हो गया इनका कलर भी हो गया ये काला है ये वाइट है और ये ब्लू है ठीक है अब क्या बचा है दोस्तों अब बचा है हर एक मित्र ने केवल एक ही रंग के ऊपर पोशाक पहनी थी अब ये भी बचा है ना जो ये बीच वाला ये के वाला बचा है ना ये तो इसने क्या किया दोस्तों कुमार ने पहना था कुमार ने पहना है एक तो चीज क्या पहनी है दोस्तों एक तो पहनी स्वेटर कुमार ने स्वेटर पहनी पहले बताया था हमको पहले बता चुके हैं इस चीज को कुमार आ गया अगर इसने स्वेटर पहन लिया तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसने ये भी नहीं पहना और ये भी नहीं पहना अब बचा कौन सा रवीरो तो रवीरों ने ये पहले ही बताई थी हमको ये आ गया इसका आंसर रबीरों का आ गया बस अब सिंह है सिंह का क्या हुआ सिंह ने ये बीच वाला पहन लिया सिंह ने दोस्तों ये बीच वाला ये पहन लिया तो इस सिंह ने ये तो पहन लिया तो इसका मतलब बचा क्या है ये नहीं पहना और ये नहीं पहना जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमको उसके हिसाब से हमने लिख लिया हमने कुछ नहीं किया इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसी के हिसाब से इसे लिख लिया ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था और ये क्वेश्चन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है अभी मैं पूरी तरह से अगर नहीं समझा नहीं पा रहा हूं तो आगे और फिर से बता देंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला है ही है इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा अब हमने सब जमा लिया ठीक है अब देखो सी का कोल नेम क्या है तो भाई सी कहा है सी ए रहा तो कोल नेम क्या पूछा है सी का कोल नेम रवि रो देख लो हम सी के सामने रो आर हमको डोनेट किया था रो के नाम से तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए टाई का रंग क्या है देखो टाई यरी टाई का रंग क्या है दोस्तों टाई यरी टाई का रंग है ब्लू ब्लू मतलब नीला इसका आंसर आ जाएगा बी फिर पूछा स्वेटर कितने सॉरी किसने पहना था तो स्वेटर देखो स्वेटर रहा ये, ये स्वेटर किसने पहना था दोस्तों स्वेटर पहना था ये स्वेटर पहना था ए ने बंदे का पूछा ए ने स्वेटर पहना था ए ने तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। तो इस प्रकार दोस्तों इसके आंसर आ गए आपको तो अगर आपने जमाना नहीं सीखा ऐसे प्रकार के टेबल बनाकर जमाना नहीं सीखा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं यह क्वेश्चन थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन अगर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं वास्तव में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है अगर छोटी सी गलती होगी तो आप पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है दोस्तों तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें एक बात तो ये और होती है कि तीन से चार मिनट चले जाते हैं अपने फिर भी समझ में नहीं आता क्योंकि तीन से चार मिनट गए और गलत होंगे तो फिर आपको एक मतलब एकदम हो जाएगा मन तीन से चार मिनट खराब भी कर दिया गलत भी होगी तो आप प्रेशर में आ जाएंगे तो इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए बार बार और ऐसे क्वेश्चनों को फिर से एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा जब ये चैप्टर खत्म हुआ ये पेपर खत्म हुआ दो हजार सोलह का ये वाले क्वेश्चन दो हजार पंद्रह में आए थे वो और ये दोनों को मिलकर फिर से बता दूंगा क्योंकि वास्तव में क्वेश्चन अच्छे आते हैं और ये जरूरी नहीं है कि साल नहीं आएंगे हर साल आते हैं कभी ना कभी आ जाएंगे और दो तीन क्वेश्चन इसमें आराम से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो फिर से पूछ लेना ठीक है तो इस प्रकार इसका इन तीनों का आंसर आ गया ठीक है आगे देखते हैं फिफ्टी सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है फिफ्टी सेवन क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी किसी विशाल वृक्ष का उर्ध्वाधर तना है और ए पर वह बिंदु है ए का वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है किसी तूफान के कारण तना उस बिंदु सी पर टूट गया ठीक है जो बारह मीटर की ऊंचाई पर है टूटा हुआ भाग अधिक भाग जो है आंशिक रूप से तने के उर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है यदि टूटे हुए भाग का शराब भी जमीन को बीस पर छूता है जो बिंदु ए से पांच मीटर की दूरी पर है तो तने की मूल ऊंचाई क्या है देख क्वेश्चन देखने में तो बड़ा टप लग रहा है पर बहुत सीधा है बताता हूं बोला है ए बी किसी और विशाल दक्ष की ऊर्द्वाद तना है तो हमने क्या किया दोस्तों ए बी ये कर दिया ये ये है और ये बी है ठीक है किसी तूफान से कारण तना सी बिंदु पर टूट गया और बारह मीटर यहाँ पर तो यहां कहीं टूट गया ये हो गया बारह मीटर टूट गया बारह मीटर था आंशिक रूप से तने का अर्धवादर हिस्सा सी पर जुड़ा है ठीक है सी पर जुड़ा है यदि टूटे हुए भाग का शराब बी जमीन पर गिर जाता है टूटे हुए जो ये भाग था ना ऊपर वाला ये गिर कर ये जमीन पर गिर जाता है गिरा और ये भाग ये मिला ये डी हो जाएगा छूता है और ये बता दिया आपको ठीक है यदि बी का शरा मतलब टूटकर गिरा तो डी था वो छूकर ये नहीं गिर गया जो बिंदु ए से दूरी पाँच मीटर है तो इसकी मीटर की दूरी कितनी दोस्तों इसकी पांच मीटर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों पूछा यह है कि तने की मूल ऊंचाई क्या है अगर दोस्तों ये यहाँ तक बारह मीटर है और ये पांच मीटर है और हमसे पूछा है टूटा हुआ सरा नीचे आया इसकी दूरी पूछा है यही फिर से पाए तो कौरस फिर में बढ़ गया देखिए सम कौन बढ़ गया फिर से हमसे पूछा है ओडी सॉरी ये सी है और ये डी तो सी डी पूछा है हमसे सी डी बराबर सी डी बराबर क्या करेंगे दोस्तों रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ये किया हमने ये किया ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए और सी का स्क्वायर हो जाएगा बारह का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर पांच का स्क्वायर ऐसे हमने किया दोस्तों तो सी डी बराबर यहां पे भी सी डी सी डी बराबर एक सौ चौवालीस प्लस ये हो जाएगा पच्चीस तो हमने जब किया 180, CD तो ये एक सौ उनहत्तर सी डी बराबर तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों तेरह मीटर तो जो तना टूटा था ना ये नीचे ये गिरा था ये तेरह मीटर का था दोस्तों ये तेरह मीटर का था ये बात आपको समझ में आजगी अब बात क्या कर रहे हैं दोस्तों तेरह मीटर का था अब बात क्या कर रहे हैं दोस्तों पूछा है हमसे कि इसकी मूल मतलब इसकी तने की ऊंचाई कितनी थी अगर यह तेरह का था यह बारह का था तो ए बी की पूछा है हमसे तो ए बी की जो है ना ये तेरह और बारह जुड़ जाएंगे तेरह और बारह जुड़े जुड़ तो यह पच्चीस मीटर तो ए बी की जो वो है ना ऊंचाई ए बी का मतलब यह है तने की ऊंचाई तो यह 25 मीटर थी तो इस प्रकार इसका आंसर बी देखो फिर से बताता हूं हमसे कहा था कोई वृक्ष है ए बी उसकी वह है फिर वो क्या बीच में से टूट गया अब ए बी के बीच में दे रखा था बारह मीटर सॉरी ए बी की दूरी पूछेगा लास्ट में हमको ये पता नहीं है ठीक है लेकिन यह कहीं बीच से टूट गया और बीच से टूट कर ही नीचे गिर गया अब यहां से टूटा ना यहां तक की तो दूरी दे रखी है हमको बारह मीटर ठीक है अब ये टूट के नीचे गिरा नीचे जैसे गिराया तो बिंदु है अब हमने इसको मिलाया जब मिलाया तो ये समकोण बन गया और ए और डी के बीच दूर की दूरी दे रखी पांच मीटर पांच दे रखा है या बारह रखा है तो हमको देखा पाँच तो गौरसपुर में लगाया जब हमने निकाला तो सी डी की दूरी आ गई दोस्तों सी डी की दूरी आ गई कितनी तेरह मीटर सी डी की दूरी तेरह मीटर आ गई अगर सी डी की तेरह आ गई तो सी डी जो वह था ना ये ऊपर वाला तना तनाई तो टूटा है तो ये बी और सी वाली दूरी कहने का मतलब ये बी और सी वाली दूरी है तो यहां पर तेरह मीटर है यहां पे बारह मीटर है दोनों को जोड़ा तो हमको तने की ऊंचाई आ गई तो हमने तेरह बारह जोड़ा तो पच्चीस आया तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया पच्चीस दोनों को जोड़ा तब जाके हमारे तने की ऊंचाई आई क्योंकि वो जो गिरा था ना हिस्सा वो ऊपर वाला ही था वो तो तो टोटल आ गया बस इस प्रकार इसका आंसर आ गया पच्चीस मीटर ये पहले पहले भी आया था ये क्वेश्चन सेम ही पाइथागोरस प्रमेय वाला ये बहुत आता है क्या बोलते हैं टाइम डिस्ट सॉरी ये बहुत आता है जो ये क्वेश्चन होते हैं ना दिशा निर्देश वाले इनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऐसे ही करके ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई व्यक्ति बारह किलोमीटर उत्तर की ओर फिर पंद्रह किलोमीटर पूर्व की ओर फिर उन्नीस मीटर पश्चिम की ओर तब वह पंद्रह किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है यह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है क्वेश्चन देखने में ये भी टफ लग रहा है ठीक है कुछ नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को पहले कोई व्यक्ति बारह किलोमीटर उत्तर की ओर कोई व्यक्ति था ए मान लेते हैं हम यहां से ये बारह किलोमीटर उत्तर की ओर गया ये मान लेते हैं यहां से, यह यह से सीधा नहीं कैसरा मान ए यह बारह किलोमीटर उत्तर की ओर गया ठीक है पंद्रह किलोमीटर पूरब की ओर गया फिर ये गया पूरब की ओर पंद्रह किलोमीटर गया ठीक है यहाँ पूरा हो गया फिर उन्नीस किलोमीटर पश्चिम की ओर उन्नीस किलोमीटर पंद्रह तो, तो इधर गया ही ये इधर गया था फिर चार इधर और चल जाएगा तो ये हो जाएगी टोटल आ जाएगी दोस्तों इसकी उन्नीस मीटर उन्नीस किलोमीटर ये हो गया चार किलोमीटर क्योंकि पंद्रह तो यहाँ तक हो ही गया फिर चार और जोड़ दिया ठीक है फिर कह रहा ना, ना, है पंद्रह किलोमीटर दक्षिण की ओर गया पंद्रह किलोमीटर दक्षिण की ओर गया यहाँ पे पंद्रह किलोमीटर तो देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात है चार किलोमीटर तो ये हो गया क्यों हुआ चार किलोमीटर क्योंकि ये आयत बन गया तो चार ये भी हो जाए तो ये भी चार हो गई देखो यहाँ तक बारह है तो बचा कितना दोस्तों ये तीन बचा बचा कितना ये तीन बचा तीन किलोमीटर अब क्या बन रहा है फिर से आया तो वो बन रहा है त्रिभुज देख लो अब देखो हमसे पूछा है जो ये बिंदु है ना ये हमने बी मान लिया और ये हमने डी मान लिया ठीक है सॉरी ये हमने सी मान लिया ठीक है अब देखो हमने क्या किया बारह बारह ये हो गया क्योंकि बार यहां तक थे तो ये हो गया बचा कितना पंद्रह में से बारह गए तो तीन बचा तो तीन किलोमीटर ये हो गया अब हमसे पूछा है ई और सी के बीच की दूरी ये तो पूछा है तो ए और सी के बीच की दूरी ये कर्ण पूछा है एस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये हमने जोड़ा ए बी का स्क्वायर देखा चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर तो ए सी का स्क्वायर तो ए सी का स्क्वायर बराबर चार का तो हो गया सोलह तीन गौ तो ए सी का स्क्वायर बराबर रूट पच्चीस तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा पाँच मीटर तो उसके जो बीच की दूरी थी ना दोस्तों प्रारंभ बिंदु से वो पाँच मीटर थी ये आंसर देखो फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को डायग्राम आप बनाना सीखे तो आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा बोला है कोई व्यक्ति था ठीक है कोई व्यक्ति था वो क्या था उत्तर की ओर गया पहले तो बारह किलोमीटर तो बीरो व्यक्ति मान लिया हमने ए बारह किलोमीटर गया ठीक फिर कह रहा है पश्चिम की ओर गया था पंद्रह मीटर पंद्रह किलोमीटर ये गया फिर कह रहा है सॉरी पंद्रह किलोमीटर पूर्व की ओर गया था पंद्रह किलोमीटर पूर्व पूर गया फिर कह रहा है उन्नीस किलोमीटर पश्चिम की ओर गया अगर यहां तक पंद्रह है तो चार किलोमीटर इधर चला होगा चार किलोमीटर ही होगा फिर कह रहा है दक्षिण की ओर पंद्रह किलोमीटर गया हमने पूरी दूरी माँ पी पंद्रह किलोमीटर अब पूछा है प्रारंभ बिंदु से उसकी व्यक्ति की दूरी कितनी है अगर भाई ये पंद्रह है इसकी चार हो जाएगी अगर ये चार है तो ये चार हो जाएगी अगर ये बार है तो ये बार हो जाएगी क्योंकि आयत है अगर यहाँ तक बार है तो टोटल पंद्रह है तो ये तीन हो जाएगी अगर ये तीन हो गई और हमसे पूछा ये वाली सी दूरी अगर ये देखते हैं तो हमें समकोण बन गया फिर से समकोण बना तो हमने पाँचों को तो रस्से देखा तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर दोनों का जोड़ा तीन और चार का स्क्वायर जोड़ा तो पाँच का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर कितना होता है तो ये पाँच किलोमीटर इसका आंसर आ गया एक इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों

उससे समान आयामों में छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन की बोझा बड़े घन की एक चौथाई है भाई देख कोई ये घन है मान ले ये घन ठीक है ये काटा हमने छोटे चोट छोटे उसमें एक दो तीन मान ले चार तो ये हो गया एक दो तीन चार ठीक है ये काट लिया हमने अब कह रहा है कि अगर वो काट रहा है तो उसकी एक चौथाई है मुझे दोस्तों ये जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्यूब वाला तो उसमें एक चीज दे रखी है वन साइड का अगर पूछे आपसे कोई वन साइड वाली प्रिंटेड वाली तो वन साइड जो प्रिंटेड होती हैं उसका फॉर्मूला होता है सिक्स एन माइनस टू का स्क्वायर तो सिक्स तो है ही है एन का मान चार क्यों आ गया क्योंकि एक चौथा है ना बड़ी भुजा का तो चौथा मतलब तो चार तो चार माइनस दो का स्क्वायर छ चार दो का स्क्वायर क्योंकि चार दो में से गया तो ये दो बचा अच्छा। दो का स्क्वायर मतलब छ इन चार मतलब चौबीस तो उन घनों की छोटे घनों की संख्याएं दोस्तों वो चौबीस निकल के आएगी तो इसका आंसर आ जाएगा बीस तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्तों तभी आप क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि फिर यह समझ में नहीं आएगा आपका अगर आपने अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया तो समझ में नहीं आएगा तो इसका फॉर्मूला है मैंने कुछ नहीं किया कि भाई एक चौथाई इसका मतलब चौथाई है तो इसका मतलब बड़ी भुजा का कितना होगा बड़ी भुजा चार होगी यही तो हम अंदाजा लगा सकते हैं एक छोटाई का मतलब है है बड़ी भुजा होगी यही तो हो रहा है। छोटा पूछे तो फॉर्मूला लिखा सिक्स एन माइनस टू का स्क्वायर तो वो आ गया आपका आंसर तो 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 इस प्रकार इसका आंसर आ गया इसका सॉरी इसका आंसर आ गया बी अगला देखते हैं दोस्तों साठ नंबर का क्वेश्चन है राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए चार दिन एक साथ काम करते हैं और 60 परसेंट कार्य पूरा करते हैं तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम कार्य को पूरा करने में आठ दिन और लगाता है तो राम को अकेले पूरा करने में कार्य अकेला पूरा करने में कितना दिन और लगते हैं ये क्वेश्चन फिर से बता देते हैं आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा आराम से और हमसे पूछा राम अकेला कार्य कितने दिनों में कर देगा तो भाई देख पहली बात तो राम और श्याम किसी कार्य कर रहे हैं चार दिन लगा रहे हैं साठ परसेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ राम प्लस श्याम बराबर साठ परसेंट कर रहे हैं चार दिन में कोई कार्य ठीक है तो और दूसरा दे रखा है श्याम जो है ना राम छुट्टी पे चल जाता है श्याम आठ दिन में कर देता है कैसे कार्य तो श्याम है ना चालीस परसेंट बढ़ता क्योंकि साठ परसेंट हो सकता कैसा कार्य चालीस परसेंट बढ़ता ये आठ दिन में कर रहा है अकेला श्याम क्योंकि राम छुट्टी पे तो श्याम जो है दोस्तों अकेला मतलब कार्य हुआ सौ परसेंट काम को आठ एंटू सौ अपॉन चालीस सौ परसेंट कार्य करेगा ना अकेला जब करेगा तो, तो क्योंकि चालीस परसेंटेज है तो हमने किया तो ये कटा ये 5 से ये कटा बीस से तो श्याम करेगा बीस दिन में ठीक है तो श्याम एक दिन में कार्य कितने करेगा श्याम का एक दिन का कार्य एक अपॉन बीस दिन ये श्याम का एक दिन का कार्य हुआ अब देखो दोनों राम प्लस श्याम किसी कार्य का सौ परसेंट जो कार्य है काम उसको कर रहे हैं चार इन टू सौ अपॉन साठ ये हमने काटा ये कटा ये कट गया दोस्तों तो ये हो जाएगा पांच ये हो जाएगा तीन मतलब कितना हुआ बीस बट्टा तीन ये तो श्याम और राम दोनों कर रहे हैं एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों ये तो कर रहे हैं एक लेकिन ये तो सौ परसेंट कार्य एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों तो राम एंड श्याम एक दिन का कार्य करेंगे दोस्तों में अगर राम और श्याम एक कार्य को तीन बट्टा वाँ वाँ कर रहे हैं और श्याम अकेला एक बट्टा बीस में कर रहा है तो हमको राम का निकालना है तो राम का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों राम का कार्य तीन बट्टा बीस माइनस एक बट्टा बीस हमने किया बीस अपॉन किया तीन माइनस एक दो वटा बीस इसका मतलब क्या हुआ एक वट्टा दस क्या हुआ इसका मतलब तो राम अकेला कार्य करेगा ना वो करेगा दस दिन में तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है इतना बड़ा मैंने बता दिया था आप थोड़ा घबरा जाएंगे क्वेश्चन कुछ नहीं है क्वेश्चन दे रखा है कि भाई राम और श्याम कोई कार्य को साठ परसेंट कार्य कर रहे हैं और वो चार दिन ले रहे हैं ठीक है ठीक है, थीक है? श्याम अकेला 40 बचा कार्य कितना चालीस परसेंट बचा हुआ साठ परसेंट कर दिया तो श्याम अकेला चालीस परसेंट करेगा आठ दिन में कर रहा है राम, जो श्याम अकेला सौ परसेंट कार्य कितने में करेगा आठ इंटू सौ अपन चालीस किया हमने तो बीस डे आया तो श्याम अकेला कितने में कर रहा है एक बटा बीस में राम और श्याम सौ परसेंट कार्य कितने कर रहे हैं बीस बटा तीन में राम और श्याम एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं तीन बटा बीस में अगर एक दिन में राम और श्याम तीन बट्टा बीस में कर रहे हैं और राम एक बट्टा बीस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ श्याम सॉरी श्याम एक बार्टा बीच में करा था इसका मतलब क्या हुआ राम टोटल राम और श्याम का कार्य माइनस श्याम का कार्य घट जाएगा तो बचे कितना राम का कार्य तो राम का कार्य बचा फिर आया इसका आंसर दस डे जो क्वेश्चन में बताया है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन किया है हमने कोई अलग से नहीं किया कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से क्लियर होने चाहिए दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा कैसे क्वेश्चन हाँ ये जरूर है कि आप समझ जरूर जाएंगे अगर बिना प्रैक्टिस नहीं करेंगे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे हमने किया है कोई अलग से नहीं किया हमने ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्सटी वन क्वेश्चन सिक्सटी वन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वन क्वेश्चन कह रहा है किसी मिलिट्री कोड को कोड में सिस्टम इसको एस वाई एस एम ई टी से लिखा है उसी प्रकार एन ई ए आर ए आर नियर को एन आर ई आर से लिखा है तो उसी कोड का प्रयोग करते हुए एफ आर ए सी टी आई ओन को किस रूप में लिखा जाए ये कोड का वाला क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों अगर एस वाई एस टी ई एम को एस वाई एस एम ई टी में लिखा है ये ये दोस्तों ना। अगर ऐसे लिखा है अगला अब दे रखा है इसी का भाई अगर एन ई ए आर ई आर को अगर ए ए ए एन आर ई आर में लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ये जो है ये इधर गया ये इधर गया ये बीच का ऐसे रह गया इसी प्रकार ये इधर गया ये इधर गया ये बीच का रह गया इधर देखते हैं हम ये इधर हो गया ये इधर गया ये बीच में रह गया ये इधर गया ये इधर गया मतलब क्रॉस वाला है ने और बीच का बीच का जैसा रखा है लेकिन अगला को ये पूछा है एफ आर ए सी टी आई ओ एन का क्या होगा अब दिक्कत ये है दोस्तों क्या दिक्कत है यहाँ पे ये तो है ना ये सात ही हैं एक दो तीन चार पाँच ये जो है दोस्तों ये कितने शब्द हैं एक दो तीन चार पाँच छ और यहाँ पे जो दे रखे हैं दोस्तों ये कितने दे रखा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दे रखे वहां पे तो छ दे रखे यहां पे आठ दे रखें बस ये दिक्कत है थोड़ी सी बाकी क्वेश्चन हो जाएगा अब क्या करना है दोस्तों अगर ये मेथड है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ चार वाला पोर्सन ले इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम जब तीन थे तो तीन का क्रॉस कर रहे थे तो हम चार से कर लेंगे हमने जब चार से किया दोस्तों तो चार से किया देखो दोस्तों ये C है ये यहाँ आएगा ये F है ये यहाँ जाएगा और ये A है ये यहाँ आएगा और R है ये यहाँ जाएगा ये तो हुआ इसका मतलब हम क्या करेंगे C को इधर ले आए, C ले आए F को इधर ले गए ठीक है F को इधर ले गए ठीक है बचा क्या A है A को इधर ले आए तो A आ गया R को इधर ले आए तो C A R F हो गया इसी प्रकार N को हम यहाँ आए T को हम यहां ले आए ओ को हम यहां ले आए और टी को हम यहां ले आए सॉरी ये आई को हम यहां ले आए तो इस प्रकार क्या हो गया सी ए आर एनओ आई टी सी एर एफ एन ओ आई टी ये इसका मेथड आ गया इस प्रकार आंसर है ये वाला क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में आते हैं वही क्वेश्चन था बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन था आपको मेथड पता चल जाए कि भाई क्रॉस वाला है कौन सा है ठीक है तो इसका आंसर आ गया दोस्तों डी आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन को पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में जाके और जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो लेंदी था थोड़ा अगर उसमें आपको समझ में फिर से नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन को दो तीन क्वेश्चन लेंगे हम ऐसे फिर से बता देंगे आपको ऐसी बात नहीं कि नहीं बताएंगे क्योंकि वास्तव में क्वेश्चन टफ था वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक गलत कर देगा आप क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं बासठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बासठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है यदि आर और एस दो, दोनों समान अलग अलग पूर्ण संख्याए हैं और दोनों एस जो सॉरी दोनों पाँच से विभाज हैं तो इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से सही नहीं होगा मान लेते हैं दस और पाँच संख्या मान लेते हैं पूर्ण संख्या एक दस मान लेते हैं पाँच मान लेते हैं आर माइनस एच पाँच से है तो दस माइनस पाँच किया हमने तो ये हो गया पाँच तो पाँच में पाँच का भाग दिया है बिल्कुल सही बात है पूछा है अनिवार्य रूप से सही नहीं है ना कि ने पूछा है कि भाई सही है मतलब सही नहीं है ऐसा बोला है आर प्लस पाँच में दस का भाग जाएगा तो आर प्लस हम दस प्लस पाँच किया हमने पंद्रह पंद्रह में जैसे हमने पाँच का भाग पंद्रह में हमने जैसे ही दोस्तों पंद्रह में हमने क्या किया दस प्लस पाँच पंद्रह पंद्रह में हमने दस का भाग दिया तो ये नहीं ज्यादा आर एन टू पाँच किया पच्चीस का भाग जाएगा तो देखो दस इंटू पंद्रह दस इंटू सॉरी पांच इंटू पांच पच्चीस पच्चीस में हमने क्या किया एक मिनट एक मिनट दस इंटू पांच ओके पहली संख्या दस ली थी ना दस इंटू पांच पचास पचास में पच्चीस का भाग दिया हाँ ये जा रहा है इसी प्रकार आर स्क्वायर और एस स्क्वायर तो आर स्क्वायर मतलब दस का स्क्वायर प्लस एस का मतलब हो गया पांच का स्क्वायर मतलब कितना हुआ एक सौ दस और पाँच पच्चीस मतलब एक सौ पच्चीस में तो पाँच का भाग देंगे हाँ बिल्कुल जा रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है अनिवार्य रूप से नहीं जा रहा तो भाई ये वाला है ना ये वाली पोजिशन ये वाली जो सिचुएशन है इसमें यह नहीं जा रहा तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा दोस्तों सी देख लो आप दस प्लस पाँच के या पंद्रह पंद्रह में हम दस का भाग देंगे दोस्तों तो ये नहीं आएगा सॉरी सॉरी ये वाले में नहीं जाएगा बी में तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा दस में विभाज्य नहीं होगा ये पूछा ना रूप से सही नहीं ठीक है तो इसका आंसर आ गया दोस्तों इसका आंसर आ गया बी ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं है जिसे वहाँ आपको सिचुएशन दे रखे उस हिसाब से आपको करना है क्वेश्चन ठीक है अब अगले देखते हैं अगला क्या है दोस्तों अगला क्या है अगला क्वेश्चन है, है दोस्तों सौ और तीन से के बीच दो से शुरू होने वाली या दो पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है सौ और तीन सौ के बीच निकाली इसका मतलब क्या है सौ से एक सौ निन्यानवे के बीच फिर दो सौ एक से दो सौ निन्यानवे के बीच इनके बीच में निकाल लिया मतलब अब सौ से एक सौ निन्यानवे के बीच का मतलब है कि भाई दो से शुरू होने वाली या दो पे ख़त्म होने वाले, है होने वाले है। तो सौ से अगर निकालते हैं दो पे शुरू या खत्म वाली एक होता है एक सौ दो एक होता है एक सौ बारह एक होता है एक सौ बाईस एक होता है एक सौ बत्तीस एक सौ चौवालीस सॉरी एक सौ बयालीस एक सौ बावन पे खत्म हो रहे ना ये तो पूछा हमसे एक सौ बासठ एक सौ एक सौ बयासी एक सौ बानवे ये तो हुए हैं सौ से और एक सौ निन्यानवे के बीच वाले कितने हो गए दोस्तों ये आप गिर लीजिए पहले एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस ये संख्याएं तो दस होगी अब हमसे कहा है कि ये तो सौ से दो सौ बीच होंगे दो सौ एक से दो सौ निन्यानवे बीच कितनी होंगी तो दो सौ एक से हम करेंगे और दो सौ निन्यानवे करेंगे दोस्तों तो दो से शुरू होने वाले तो सौ और हो जाएंगी। दो सौ एक से स्टार्ट हो रही दो तो सौ निन्यान खत्म हो रही तो सौ और हो जाएंगे हमसे यह नहीं पूछा है दो तो कितनी बार आएगा हमसे पूछा है दो से शुरू होनी चाहिए वो संख्या और दो पे खत्म होनी चाहिए दस तो ये होगी सौ से दो सौ के बीच में पर दो सौ एक से दो सौ निन्यान बीच में सौ ये हो गई दस प्लस सौ कितने हो गए एक सौ दस तो इसकी आंसर आएगा दोस्तों ऐसी संख्या एक सौ दस है तो इस प्रकार दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हो गए और कल आगे हम और क्वेश्चनों को अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों तो आप को पूछ लीजिए और एक जो क्वेश्चन था अभी ये वाला मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आने वाले ही क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन है तीनों जब तक आप इनको जमा नहीं पाएंगे अगर जमा नहीं पाएंगे तो उस हिसाब फिर आप क्वेश्चन को निकल सकते तो धैर्य के साथ ऐसे क्वेश्चनों को पढ़िए आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए अगर आप तो हो रहा है तो ठीक है ना आगे बढ़िए क्योंकि क्वेश्चन ये क्या है अगर आप पे गलत हो गए तो आपको तो प्रेशर आएगा गलत हो जाएंगे तो कहेंगे करेंगे चार पाँच मिनट गए फिर भी गलत हो रहा है तो आगे क्वेश्चनों को फिर गलत करेंगे इसलिए दोस्तों आ, ये आप ये आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे क्वेश्चन करो आप पहले प्रैक्टिस करो सबसे पहली बात इनकी प्रैक्टिस करो जबरदस्त तो आपको क्वेश्चन जब आए आप आराम से क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों ये मैं आपको वादा के साथ कर रहा हूँ अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन को और तीन से चार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ऐसे तो आशा करता हूँ दोस्तों यहां तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिए हम कमेंट बॉक्स में जो आप जो कमेंट करते हैं हम उनको देखते हैं और जब इनमें जो क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे 2015 वाला पेपर और 2016 वाले पेपर जिसमें क्वेश्चन में, में प्रॉब्लम आ रही है हम दोनों को एक साथ ले लेंगे दोस्तों धन्यवाद यो तो यहां तक बना रहने के लिए